अरे सिमटी करी रह गया सदियों का ये इतिहास वीरों का, इतिहास वीरों का। अरे निशानी आज है किला हुआ है नास वीरों का, निशानी आज है किला हुआ है नास वीरों का। अब हारमोनियम का संगत लगल और जौहरी सहरा गिल का है बात या नहीं जुबानी, हम दो की निगरानी है भारतीय भर जाती, चलती आई खानदानी भर बाजार सिद्ध ज्ञानी, ममता उतस्य के लालन आर दे कर जन्म को त्यागे, देवता गण किए है पाल। हाय हाय, ये पुराणों की बात है साथियों, शुरुआत में यही से पुराण से कर रहा हूँ क्या। भारद्वाज ऋषि थे ज्ञानी, ममता उतस्य के लालन, देकर है जन्म को त्यागे, देवता गण किए है पालन। तो लिखलन कवि का कि दुष्यंत पुत्र भरत के थी तीन सुंदरी नारी, एक पुत्र बिना सब सुना भूप हरदम रहे दुखारी, एक बार यज्ञ करवाए ऋषि मुनि सब वहां है आए, भरद्वाज ऋषि को ज्ञानी राजा की गोद बैठाए, पा पुत्र पुलकित भय राजा जो कुल का दीप जलाए, भरद्वाज भरत के नाम पर है भारत नाम धराए। पहले का इतिहास रहल, लेकिन कभी लिखल का कि भटकता कि भटकता आज है राज भरी जो वंशज खास वीरों का, एक छेद तर्ज लग गए, तर्ज बढ़ा देता मास्टर, तर्ज है बा कि अरे झूला निमोरी गढ़ी दे रे सोनारा, लागल झूला निया के आसी हो, स्थिति का बा उनके वंशजन के कि निरखिला निरखिला पूर्वज का निशनावा, अरे बहला नयन जलधार हो, किला बहुत तेरे आज भगन अवशेष हो, मिटी गई न देशावा से राज भर नरेश हो, आ तरसिला तुअर समानावा, तरसिला तुअर समानावा, लागे लावता नवीन आधार हो, निरखिला तुअरा समानावा, तरसिला तुअरा समानावा, लागे लावता नवीन आधार हो। ये जने एक और तर लगल
लेकिन आज साथियों वह इतिहास गवाही है, जो किला है जगह जगह वह शेष है। आज देख करके उनके वंशज जो हैं अपने को बड़ा एहसास करते हैं, दुख मानते हैं, लेकिन असलियत असलियत बा एक ठे तर्ज वह लग गई जो क्लासिकल तर्ज बा मास्टर बजा देवा दिन गिन गिन गई। यह बात कि अरे गिन गिन दिन गईली कि गिन गिन दिन गईली हार हो पिया गईले परदेशवा। तनी है जही सुनला कि गली नाही पानी में कि अरे गली नाही पानी में पहाड़ हो लाख बर सी सवनामा गली नाही पानी में पहाड़ हो लाख बर सी सवनामा गली नाही पानी में पहाड़ हो लाख बर सी सवनामा कि अरे भैले उजागर भारद्वाज सज्ञानी आउ नहीं क बेटा मनु रह गुड़ खानी जुग जुग बढ़ खन दान हो लाख बरसी सवनावा जुग जुग बढ़ खन पौराणिक बातें चल रही है कि राम और श्याम पूजल उनक चरणवा आ भैल महाभारत उनही के खन दनवा आ देखा तनी खोली के पुराण हो लाख बरसी सवनावा वंशरंती देव को बताए नाग वंश क्षत्रि राज भर कहलाए अब वेदों में मिलता प्रमाण हो लाख बरसी सवनावा भैया हो। अब तन ये के अपने जगह पर छोड़ दा। अब धीरे धीरे समय बीतत चली आई। अब बीतत जब चली आई तो तनी वेद के बात अब इतिहास में लेला। कवि लिखलन का विदेशिया का तर्ज लग गई। कि अरे वेदो का भेद इतिहास में सिमटी गई ले हर दिन दिन व्यतीत भैले बहुत समैया वेद का भेद इतिहास में सिमट गई लन धीरे धीरे बहुत दिन व्यतीत हुआ साथियों तब भैल का कि भारत के शासक राजा राजा भर कुशल रहल देखे जान साना रखला कई के लड़ैया 1016 एडी में महमूद गजनबी किया 17-12 भारत देश पर चढ़ैया तर राजा राज भर हर देव फूल चन को लूटा धनवा कलो भी पापी बनल बामुदैया 1016 एडी में महमूद गजनवी 17 हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया। राजा कौन था? राजभर हरदेव फूलचंद को लूट करके धन लेकर के वापस गया। लेकिन एक ठेर तर्ज लग गई और तर्जवा उहे बका कि जब उसे सिपाही से अरे जब उसे सिपाही से
भैला हवलदार हो नथुनिया पर गोली मारे असैया हमार हो नथुनिया पर गोली मारे यहाँ का बात सुन ला कि 1019 में रहा 1019 में रहल तेरा हवा बार हो लुटेरा लूट देतावा के अरे 1019 में रहा अब तेरा हवा बार हो लुटेरा लूट देतावा के अब भागल गंवार हो लुटेरा लूट देतावा के सत्रहवा बार में साथियों तेरहवा बार 1019 में जोन बा जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया है और 1019 में देश के लूट के जब भागा लगन फूलचंद और हरदेव राजभर राजा को मार करके लूट करके जब भागा है तब भयल का कि महमूद गजनवी लवटी जब गई ले महमूद गजनवी लवटी जब गई ले 1030 में स्वर्ग बास भइले 1030 में स्वर्ग बास भइले 1030 में स्वर्ग बास भइले महमूद गजनवी वापस जाने के बाद 1030 में उसका तो स्वर्ग बास हो गया लेकिन आर मसयूद गाजी बेटा जेकर हो नहार हो लुटेरा लूट देसावा के भागल गंवार हो लुटेरा लूट देसावा के वही के लड़का महमूद गजनवी के बेटवा जोने के नावरल मसयूद गाजी ई का कहिले तनी सुनला कि सेनावाया पार लेके मसयूद गाजी किया आक्रमण भारत देशवा पप्पा जी अरे जहाँ बिहारी मल राजभर सरदार हो लुटेरा लूट देशवा के भागल गंवार हो लुटेरा लूट देशवा के मसयूद गाजी सेना लेकर के बड़ी भारी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया हिंदुस्तान पर देश पर जब आक्रमण किया किस राजा के ऊपर जहाँ टुकड़े टुकड़े में हम लोगों का राज था साथियों वहाँ के राजा कौन थे बिहारी मल राजभर राजा सरदार पर जब चढ़ाई किया इनके किले पर तब भैल का यहाँ तेरी बा कि अरे समर में चाहे कटी है सिरावा अरे समर में चाहे कटी है सिरावा अरे राजा राजभरों का पीछे पैर न हटी है अरे हो हटी है अरे हो हटी है अरे हो हटी है और जब चढ़ाई किया है बिहारी मल राजा पर तब हल का इनके चार बेटवा रहला कौन कौन कहां कहां के राजा थे कि बिहारी मल राजा के अब चार पुत्र हो नहार हो अरे सुहल देव रुद्रमल बागमल भूरा देव दिलदार हो मल राजा के चार लड़का सुहल देव रुद्रमल बागमल भूरा देव भलका कहां कहां के लो राजा थे अरे श्रावस्ती सहेर महेर के अवस्थासक सुहल देव अवस्थानी हो अरे मसयूद गाजी भूरा चा दुर्ग पर करन चला मन मानी हो अरे करन चला मन मानी मसयूद गाजी जोनबा
भुराइचा दुर्ग पर चढ़ाई कर दिया। और जब भुराइचा दुर्ग पर चढ़ाई कैले बा तो वहां का राजा बिहारी मल के लड़का रहलन, नाम आपके बतेबे कैली कि भुरा देव वहां के राजा थे भुराइचा दुर्ग के। तब भैल का यहाँ ठे तर्ज लग गल, जब चढ़ाई कर दिया है मसूद गाजी भुराइचा दुर्ग पर तो ये इन्हें ठे तर्ज लग गल। और तर्ज वाय कभी कभी नाचे में गावल जला, कुल नाचे में देखवा लवंडा बड़ा सुगर सुगर होलन, लेकिन गुणौ नाच मृदंग के नाच हुरका के नाच में देखवा तो ये लवंडा जोन बा ऐसा सुगर सुगर की उनका गाल घंस के बंगाल का खाड़ी हो गल रही, भर गोड़े व्यवहार फटल। अगर उनके जोतले खेत में नचाए दे तो हंगा के प्याज के खेत बना दिहन। तो एक पर जोन बा जब वह हुरका के नाच औरत जोन मनौती मनले रहेली और जा करके अचरा बिछा दिहन माई के धाम पर, और हुरका के नाच चाहे मृदंग के नाच चाहे गुणऊ नाच जब नचवावे लगे लवंडन के अचरा पर, तो उस समय वो नाच वाले अपन स्वर लेकर के वंदना गा के कैसे गावे न सामान के स्वर लहले से, उन लोगन के स्वर लहले से बड़ी भिन्नता होले। और बड़ी भिन्नता होले तो ये पर हम जब गाई ला तो हमारे ढोलक मास्टर जब बजावे लन हुरका का ताल तो इनके मुंह में जोन बा हुरका मतीन हो जाला। तो वह तर्जवा आ गई का जो नचा में लोग गावल स्वर लेके हम मिलोले कोशिश करते हैं कैसे लोग मिलावे वो लोग स्वर कैसे गए कैसे ये। बोला बोला भगसरी माई की है तबले वही में केव कह दे करे यार लवंडा तरी छपरहिया ने छोड़ दे, तो वो लोग छपरहिया भी अपन वही लहजे में गावला कैसे छपरा सहारिया में बिकला हो चरा खवा देवर मोर जोगी हो भाई। लेकिन इतना मौज मस्ती के लिए रहल, तनी गाना का बात सुन ला। मसयूद गाजी सेना लेकर के सुहलदेव राजा के भाई जहां राज करता था भुराइचा दुर्ग पर, उस पर चढ़ाई कर दिया। और जब चढ़ाई कर दिया और सुहलदेव राजा साथियों श्रावस्ती के राजा थे, आज वहां उनका उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। लेकिन तनिहाई सुन ला, जब मसूद गाजी सेना लेकर के चढ़ाई किया तो सेना कमल लहले बा कि गाय का सेना आगे कर दिया और पीछे अपने हो गए सब कि ये हिंदू राजा हैं, ये गाय परवार करेंगे नहीं, आगे आगे गाय और पीछे पीछे अपने हो गए सब। वही समय जोन बा एले कि हिंदू जोन बा गाय के माता माने लन। तब हल्का कि अरे गायों का सेना आगे हर कई के छाल करिया कर न समरिया चलल। गायों का सेना आगे गायों का सेना आगे कई के छाल करिया कर न समरिया हो चलल। चारों तरफ से किला को घेर लेता है, आगे आगे गाय की सेना, हिंदू राजा जो भुराइचा दुर्ग के थे साथियों, भुरा देव ये गायों पर वार कर नहीं सकते हैं, ये लिए कि गायन के जोन बा हिंदू लोग माता माने लन। भयल का कि असमंजस में रहेंगे हिंदू, असमंजस में रहेंगे हिंदू अरे काटेला मयूरिया कर न समरिया हो चलल। करण समरिया हो चलल काटला मयूरिया करण समरिया हो चलल काटला मयूरिया करण समरिया हो चलल। अधिकार अपन ली
अज्ञा माय करन समरिया हो चलले अधिकार अपन ले चा दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, वहां के राजा को मार करके, और जब मार करके अपना अधिकार जमा लिया, ई खबर साथियों सुहलदेव राजा के लग गई। अब भाई का मरण जब सुनलन है, सुहलदेव राजा का खून खौल गल, और सुहलदेव राजा का खून खौल गल, यहीं से गाना मोड़ ले लिया बीरस के तरफ का। तने का नौर बढ़ा दे भैया, यार लोहू बल पड़ा हो मोरे रामा, बाबा सुहलदेव राजा का खून खौल गल। याद धोखे से आगे गाय की सेना करके और हमारे भाई के किले पर कब्जा कर लिया, भाई का मरण भी हो गया, लड़ाई में भाई मारा गया, गर्दन भी भाई का काट दिया, तो सुहलदेव राजा का खून खौल गल, सेना सजा करके चल दिए हैं। किए क्या कि अरे लोहू बल पला सुन भाई का खबरिया हो नजरिया सोला भैली रे पतिया, सुहलदेव सैलानी बीनो बिरथाया जवानी, बाबा और जब सेना लेकर के सुहलदेव राजा चल दिए, का कहत हमन, अरे गरजा सुहलदेव सैलानी बीर बिरथा होई जवानी, अयर सज गई राज भरों की टोली, बोल मार मार की बोली, बोल मार मार की बोली, होली खूनों से खेलब चल भय, होली खूनों से खेल चल भय, छाल करिया हो नजरिया सोला भैली रे पतिया, होली खूनों से खेल न चल भय, छाल करिया हो नजरिया सोला भैली रे पतिया, होली खूनों से खेल न चल भय, बाल कारिया हो नजरिया भैल का। अरे सजा के चल भय सुहल देव सैलानी पानी मर दे के, अरे सजा के चल भय सुहल देव सैलानी पानी मर दे के, अब भल ही रण में जाई जिंदगानी पानी मर दे के, सयुद गाजी सोया किला में पाया जब खबरिया हो, साथ के सेना गऊ का चल दिया पापी वह छल करिया हो, अरे सुहल दे तब मार तीर को तानी पानी मर दे के, गऊ माता का नाही भैली हानी पानी मर दे के, सोया था किला में मसूद गाजी जब खबर पाता है कि सुहलदेव राजा आ गया सेना लेकर के हमसे लड़ाई करने के लिए, भैया हो फिर वही गौ माता का सेना सजा करके फिर चल दिया है लड़ाई करने के लिए, लेकिन सुहलदेव वीर साथियों ऐसन तीर के लड़ाई करे लगलन कि गौ माता एक भी नहीं मारल गई, आ एकर परिणाम कितना गंभीर निकलल वो लड़ाई के सुहलदेव राजा के वीरता का तनी सुनला आल्हा का प्रमाण बा। अरे देव यो यसुर में जैसे भैली लड़ैया, कि अरे हुआ महाभारत जैसे द्वापर के मझारा, अरे वैसे जवनवा डटे हो रनवा में, वैसे जवनवा डटे हो रनवा में, अरे झुमी झुमी बीरवा चलावत तलवार, कि अरे कटी कटी सुंड मुंड गिर धरती पर, कि
अरे कटी कटी सुंड मुंड गिर धरती पर कि अरे पहचली रनवा में खुनवा का धार अरे धन राज भर रखला हिंदू का पगरिया धन राज भर रखला हिंदू का पगरिया अरे 1,20,000 मुस्लिम गए मार रज मुल मुजरब महायठवी हो तरीखिया अरे रज मुल मुजरब महायठवी हो तरीखिया अरे 1034 सन रहल दिलदार अरे उल्टा नदी के तीरे गाजी मारल गईले कि अरे उल्टा नदी के तीरे गाजी मारल गईले आय अरे लसिया उठा के फेंक नदिया के धार भैया हो 20,000 ओकर सैनिक मारल गईलन लेकिन हाई देखा 1034 में वो मसूद गाजी भी मारल गल सुहलदेव के हाथे से और जब मारगल कुंटा नदी के तीरे लड़ाई करते हुए लाश उठाकर उसी नदी में फेंक दिए लेकिन भैल का अरे खुशियों में जननी बहावया सिया अभी गल खून में वतनवा जुड़ाइल छतिया तब 1077 में ऐसे राज करते करते सुहलदेव राजा कितना दिन तक और राज कैलन कि 1077 में सुहलदेव त्यागे प्राण हो 300 वर्ष राज चलाए उन्हीं का खानदान हो अरे चरण पाव दुश्मनवा जुड़ाइल छतिया तो 1351 में जब फिरोज तुगलक आया 1351 में जब फिरोज तुगलक आया भर राजा रण मल को मार कर अपना धाक जमाया अरे शोक में डूबल हिंदुस्तान वहां जुड़ाइल छतिया हर राजा रणमल को मारकर अपनी धाक जमाते हुए साथियों 1351 में फिरोज तुगलक पहुंचा कहां बहराइच में 1388 में है बहराइच में आया सूर्य कुंड में मसूद गाजी का वो कब्र बनवाया अरे सब ही कर दरसा नवा जुड़ाई छतिया 1388 में बहराइच में आया है सूर्य कुंड में मसूद गाजी का कब्र बनवाया आज भी मसूद गाजी के सूर्य कुंड में वहां बहराइच में साथियों कब्र है वहां एक बहुत भारी मेला लगता है लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं सुहलदेव राजा की भी मूर्ति वहां लगी हुई है देश विदेश से दर्शनीय स्थान लोग जुटते हैं ए लिए कहना बाका कि जगो जवानो राज भर की जगो जवानो राज भर की जतिया याद करा वही पूर्वजन का पच्छतिया अरे तुहरे चाहे लावतनवा अरे तुहके चाहे लावतनवा जुड़ाइल छतिया अभीगल खून में वतनवा जुड़ाइल छतिया तो गुरु गणेश गुरु राम लाल कहे एकता बनाई जात पात पर सब ही तू कहवा गयो भुलाई समर में चाहे कटी हसी रवा राही राम अवतार बेचन के साथ रही है समर में चाहे कटी हसी रवा।